जिस दिन मैंने अपना घर छोड़ा वह तारीख 12 तारीख 12 दिसंबर 2022 रविवार दोपहर लगभग 2 बज रहा था। मैं घर छोड़कर खुद की मर्जी से बेतिया पहुंची। मैं जब घर छोड़कर मेन रोड पर आई उस समय मैं अपने पति के पास कॉल की और बोली, मैं घर छोड़ दी हूँ, आना है तो जल्दी आइए वरना मैं गाड़ी के नीचे आकर मैं अपना जान दे दूंगी। कैसे भी डरा धमका कर मैंने उनको अपने पास बुलाया। उसके बाद मैं खुद की मर्जी से बिना किसी के दबाव में अपने पति से। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक लड़की जन्म देने वाले अपने ही माता पिता को देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक घसीटने की चेतावनी देती नजर आ रही है। इस वीडियो को अब तक लाखों बार शेयर किया जा चुका है। कोई लड़की के समर्थन में खड़ा है तो कोई उसके इस कारनामे की खूब आलोचना कर रहा है। क्या है ये हैरान कर देने वाला पूरा मामला, वो हम आपको आगे बताएंगे, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। पश्चिम चंपारण की अस्थायी निवासी हूं। आज मैं आपको सच्चाई बताने वाली हूं। मैं अपना घर अपने मन से छोड़ी हूं। जिस दिन मैंने अपना घर छोड़ा वह तारीख 12 तारीख 12 दिसंबर 2022 रविवार दोपहर लगभग 2 बज रहा था। मैं घर छोड़कर खुद की मर्जी से बेतिया पहुंची। मैं जब घर छोड़कर मेन रोड पर आई उस समय मैं अपने पति के पास कॉल की और बोली, मैं घर छोड़ दी हूँ, आना है तो जल्दी आइए वरना मैं गाड़ी के नीचे आकर मैं अपना जान दे दूंगी। ये बात सुनकर मेरे पति को आश्चर्य हुआ और मुझे बहुत समझाने की प्रयास किए, लेकिन मैंने उनकी एक बात न मानी और गाड़ी पकड़कर बेतिया पहुंची। वहां मैं अपने पति को जबरदस्ती बुलाई क्योंकि वो आने से मना कर रहे थे। कैसे भी डरा धमका कर मैंने उनको अपने पास बुलाया। उसके बाद मैं खुद की मर्जी से बिना किसी के दबाव में अपने पति से शादी की। इसके बाद मेरे पति को गोली मारने, तेजाब गिराकर मारने और धार धार हथियार से जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, मेरे पति के माता पिता, भाई भौजाई, बहन, मौसा मौसी को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अगर मेरे पति और मेरे पति के संबंधियों को थोड़ी सी भी खरोच आई तो मैं अपने माता पिता और मामा के घर वालों पर FIR दर्ज कराकर हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। शायद ये बात मेरे माता पिता को अच्छी प्रकार से मालूम है कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि ऐसा करने पर मेरे माता पिता द्वारा मेरे पति और मेरे पति के संबंधियों पर झूठा FIR दर्ज कराने की कोशिश की जाएगी जो झूठा और बेबुनियाद होगा। हमारे जिला के DM और SP तथा सिरसिया OP के थाना प्रभारी महोदय से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि यदि मेरे माता पिता द्वारा FIR दर्ज कराई जाए तो उस पर कोई कार्रवाई न की जाए। मैं जहाँ भी हूँ अपने पति के साथ खुद की मर्जी से शादी करके खुश हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि इस शादी से मेरे पति के गांव के कुछ लोग मेरे माता पिता के साथ मिलकर FIR दर्ज कराएंगे। जो भी लोग मेरे और मेरे पति या मेरे पति के परिवार वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोशिश करेंगे उन सब लोगों पर मैं FIR दर्ज कराऊंगी और कोर्ट कचहरी घसीटूंगी। अंत में मैं चाहती हूं कि मुझे मेरे पति के परिवार वालों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। धन्यवाद। आपकी स्क्रीन पर ये वही वायरल वीडियो है जिसे चेतावनी के तौर पर जारी करते हुए वायरल किया गया है। दरअसल ये वीडियो बिहार के नवलपुर थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक छात्रा अपने टीचर के साथ फरार हुई थी। वायरल वीडियो में वो अपने प्रेमी से शादी कर लेने की बात कह रही है। उसका कहना है कि वो खुद अपने प्रेमी शिक्षक को लेकर भागी है। परिवार के लोग इस शादी के खिलाफ थे जबकि हम लोगों में काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मैं कोचिंग में पढ़ने जाती थी, इसी दौरान प्यार हो गया। 3 महीने पहले मैंने कोचिंग में पढ़ना छोड़ दिया था। घर पर जब भी मैं इनसे बात करती थी तो मेरे घर वाले विरोध करते थे, मुझे मारते पीटते थे, इसलिए मैं अपने प्रेमी शिक्षक को लेकर भाग आई हूँ। मैं अब जीऊंगी तो साथ और मरूंगी तो साथ। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि Times 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गौरतलब है कि इस वीडियो में छात्रा आरोप लगा रही है कि घर वाले उसे मारने की फिराक में थे, इसलिए वो घर से भागकर आई है। घर वालों ने झूठा केस किया है, हम लोग शादी कर लिए हैं, मेरे परिवार वालों ने जो केस दर्ज कराया है वो गलत है। कई न्यूज साइट पर लिखी गई खबर के मुताबिक घटना नवलपुर थाना क्षेत्र की है जहाँ छात्रा और शिक्षक घर से फरार हो गए। छात्रा के पिता ने नवलपुर थाने में मामला दर्ज कराया है। इसके बाद छात्रा ने अपनी शादी का वीडियो वायरल कर दिया है।
हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि थाना अध्यक्ष अजय सिंह ने वायरल वीडियो के बारे में अनभिज्ञता जताई है। दावा किया गया है कि इस मामले में संबंधित थाने में छात्रा के परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया है और फरार शिक्षक व छात्रा की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।